सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेटी पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना, ये आप जो कार देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन का एक्सी प्लस वेरिएंट है 2023 मॉडल BS6 स्टेज 2 इंजन के साथ। अब ये बोला जा रहा है कि इस इंजन में काफ़ी सारी रिफाइनमेंट की गई हैं, अपग्रेड्स की गई हैं, जिससे माइलेज बढ़ गया है और रिफाइनमेंट के वजह से जो साउंड, जो इंजन नॉइस आती थी वो भी काफ़ी कम हो गई है। देखिए वैसे आपको बता दूं, एक्सी प्लस वेरिएंट हाईएस्ट सेलिंग वेरिएंट है आपका टाटा नेक्सॉन का और कैलगरी वाइट कलर आप ये देख रहे हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी इंजन नॉइज़ जो है ना उसमें रिफाइनमेंट आया है। तो थोड़ा सा आपको क्विक एक बार वॉक अराउंड दे देता हूँ। फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखेंगे एक्सी प्लस वेरिएंट में, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, नीचे फॉग लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, स्किड प्लेट आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आप देख रहे हैं ना, वो क्रोम गार्निश करवाई गई है एज एक्सेसरीज का पार्ट है। साइड से आप देखेंगे तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें दी गई है। तो ये सब तो दोस्तों आप जानते ही हैं, टाटा नेक्सॉन में आपको देखने को मिलता ही है। इसकी डिटेल वीडियो भी हमने बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पेज में वो चेकआउट कर सकते हैं। रियर में अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका रियर डिफॉगर वाइपर विद वॉशर, ऊपर शार्क फिन एंटीना इस मॉडल में आपको देखने को मिलेगा विद रिवर्स पार्किंग कैमरा। चलिए अब मैं आपको इसकी जो इंजन क्वालिटी है, जो इंजन में रिफाइनमेंट है वो चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो गाड़ी के अंदर इस समय आ चुका हूँ। 7 इंच की टच स्क्रीन इसमें देखने को मिलती है, बाकी मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ड्राइव मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं अंदर से आपको चेकआउट कराऊंगा। तो मैंने जस्ट फॉर दी टेस्टिंग के लिए इस ग्लास में पानी भर लिया है, ठीक है। वाइब्रेशन कितनी आएगी ये सब मैं आपको चेकआउट कराऊंगा, पहले अंदर से फिर बाहर से। पुश स्टार्ट बटन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एसी मैंने बंद कर रखा है। तो देखिए काफी कम इंजन नॉइस अंदर आ रही है। अब पहले मैं वाइब्रेशन टेस्ट यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। स्टीयरिंग के ऊपर मैं रखता हूं, बहुत ही कम। गियर लीवर के ऊपर रख लेते हैं, बहुत ही लाइट वाइब्रेशन है। तो देखिए एक चीज तो मैं बता दूं, जो पहली वाली नेक्सॉन थी ना BS6 वाली, उससे तो काफी ज्यादा रिफाइनमेंट मुझे यहां पर अंदर देखने को मिल रही है। इवन अगर मैं यहां पर भी पानी को रखूं ना, तो देखिए बहुत लाइट है। देखिए काफी रिफाइंड इंजन यहां पर बनाया गया है। फिर से एक बार यहां पर रख देता हूं, तो BS6 स्टेज 2 में ना काफी ज्यादा रिफाइनमेंट का अंतर पता चल रहा है। तो ये खड़ी गाड़ी में, देखिए बाकी जब मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा हाई स्पीड में, नॉर्मल स्पीड पे, तो वो एक वीडियो में दोबारा आपके लेके आऊंगा। तो रिफाइनमेंट काफी पता चल रही है BS6 स्टेज 2 इंजन में। अब मैं बाहर जाऊंगा और बाहर से भी आपको इंजन नॉइस सुनाऊंगा। चलिए दोस्तों अब बाहर से भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले नॉइस सुन लीजिए। तो 3 सिलेंडर इंजन है, तो नॉइस तो देखिए बाहर ऑब्वियसली बात है आएगी। अब एक बार वाइब्रेशन टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर से वही पानी की जो ग्लास है मैं यहां पर रख देता हूं। एक बार छोड़ना तो ठीक है। तो अभी देखिए गाड़ी जब आइडल होगी ना, तब तो थोड़ी वाइब्रेशन कम होगी, लेकिन अभी तो देखिए इतनी वाइब्रेशन आ ही रही है। एक बार छोड़ना, मैं एक बार चेक करता हूँ। अगर मैं छोड़ दूँ ना, तो देखिए ये इतना ग्लास छलक रहा है आपका। इसको पकड़ लेता हूँ मैं अभी। यहाँ पर भी वाइब्रेशन चेक कर लेते हैं बैटरी के ऊपर, ठीक है। बाकी आप देख पा रहे हैं, देखिए अब गाड़ी धीरे धीरे आइडल होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो करीबन मान के चलिए 20-25% रिफाइनमेंट का अंतर तो यहाँ पर है। एक बार फिर रख के देखता हूँ, तो छलक रहा है अभी। तो बाहर से भी एक बार आप नॉइस चेक कर सकते हैं। लेकिन काफी इंप्रूवमेंट तो है दोस्तों। देखिए पहले वाले जो इंजन था ना BS6 वाला, उससे तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब और भी ज्यादा वीडियोस में मैं बनाने वाला हूँ, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।